अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीनास किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़ा। शाही टुकड़े की रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए हमने 6 अदद ब्रेड ली हैं, उसके कॉर्नर हमने काट दिए हैं और इसको हमने इस शेप में कट कर दिया। आप चाहें तो इसको स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये शेप ज़रा खूबसूरत लगती है। ये चंद इन्ग्रीडियंट हैं हमारे पास, जैसा कि ये क्रीम है हमने ली है, 4 चम्मच क्रीम के हैं, 1/2 कप शुगर का है, ये हमारे पास पिस्ते हैं और बादाम हैं, और ये केवड़ा इसेंस हमने लिया है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेप नंबर 1 में हमने 1 लीटर मिल्क लिया है, इसको हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें ये क्रीम ऐड कर देंगे, इसमें इलायचियाँ डाल के हमने इसको बॉयल कर लिया। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें इलायचियाँ ऐड कर दी। अब हम इसमें डालेंगे बादाम चॉप किए हुए और पिस्ते। ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। आप चाहें तो इसमें रोज़ इसेंस भी डाल सकते हैं, चाहें तो इसमें आप वनीला इसेंस डाल लें, जो भी आप लाइक करते हैं। मैं इसमें केवड़ा इसेंस डालती हूँ, चंद ड्रॉप लें, इसमें सिर्फ चंद ड्रॉप हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह बॉयल करेंगे ताकि ये थिक हो जाए, क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी ऐड की है, बहुत रिच फ्लेवर होगा इसका। स्टेप नंबर 2 है, इसमें हमने 1 कप जो है वो पानी का लिया है, इसको हमने बॉयल कर लिया है। इसमें हम डालते हैं केवड़ा इसेंस, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद इलायची, इसमें हम ऐड करते हैं 1/2 कप शुगर का और इसका हम सिरप तैयार करते हैं। बस इसको गाढ़ा नहीं करना है, इतना इसको करना है कि शुगर इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए। ये सिरप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और अपने चूल्हे को बंद कर देते हैं, ठंडा करते हैं इसको। ये देखें, ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया। इसमें सारे हमने ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं, अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। तीसरा स्टेप है हमारा, हमने बड़े साइज का पैन ले लिया, इसको हमने हल्का सा इसमें ऑयल ऐड कर लिया। अब हम इस पर अपनी ब्रेड सेकेंगे। अगर आप चाहें तो किसी कढ़ाही में या पैन में आप ज़्यादा मिकदार में ऑयल लेके इसको फ्राई भी कर सकते हैं। हमने इनको गोल्डन करना है और क्रिस्पी भी साथ में करना है। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको क्रिस्पी करते हैं, इनकी साइड को चेंज करते जाएं और बिल्कुल लाइट आंच पे इनको फ्राई करें। इनको आपने बिल्कुल क्रिस्पी करना है। बहुत टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इनाम होता है आप लोगों की तरफ से। इतना आपने इसको गोल्डन ज़रूर करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, कि इनके अंदर साउंड पैदा शुरू हो जाए, इसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाए। हमने बाउल में निकाल लिया है, इसको ठंडा कर लिया, ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया। अब हम इसमें अपनी ब्रेड को डीप करते जाएँगे दोनों साइडों से और इसको हम अपने बाउल में निकालते जाएँगे।君の虜になってしまえばきっと